तो ये जी पाकिस्तान की अवामी गाड़ी में हम बैठ चुके हैं। पुरानी तो चोरी होगी ना। तो मजे की बात है वो जो साइड पे दो स्टिक्स लगी होती है इसको बैटरी को होल्ड करने के लिए, वो भी ले गए हैं भाई। ये भाई फ्रेश स्टॉक आ रहा है डाइवो का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी बैक साइड पे आप देख रहे हैं ये है सुजुकी मेहरान और 2016 का मॉडल है और ये मेरे छोटे भाई की गाड़ी है। और सीन कुछ इस तरह से हुआ है आज कि आज संडे का दिन है और 28th of November आज डेट है। तो कल रात को जो ना भाई मॉल में जॉब करता है तो वो लेट आया, गाड़ी गली में जगह नहीं मिली तो उसने थोड़ी घर से दूर पार कर दी। तो सीन ये हुआ भाई कि सुबह उठे हैं आज, वो दोबारा भी अपनी ड्यूटी पर जाने लगा था मॉल में, तो सुबह सुबह देखा तो भाई इसमें बैटरी नहीं है। तो ये देखें आप, यहाँ से बैटरी गायब है। तो ये कोई भाई पोटरी शोटरी वाला सीन मुझे लग रहा है कि किसी ने गाड़ी को आग नहीं लगाया मगर बैटरी उड़ा के ले गया। तो इस्लामाबाद में वहाँ पहले ही बहुत ज़्यादा वारदातें हो रही हैं, आजकल गाड़ियाँ भी चोरी हो रही हैं और बैटरीज भी चोरी हो रही हैं। तो अभी इसका क्या सीन करना है कि अभी बैटरी चेंज करवानी है और जैजी भी मैंने बुला लिया, जैजी को सुबह सुबह। तो अभी जा रहे हैं जी हम इसकी बैटरी रिप्लेसमेंट के लिए। तो दो ऑप्शन हमारे पास, ऑप्शन ये हैं कि जी एक तो हम होंडा सिटी में से बैटरी निकाल के इसमें लगा के और इसको ले जाएं शॉप पे और इसकी बैटरी चेंज करवाएं, और दूसरी ऑप्शन ये है कि हम होंडा सिटी में जाएं और बैटरी लें घर पे ख़ुद चेंज कर लें। तो अभी ऑप्शन जो वन है ना वो मैं अवेल करूँगा क्योंकि शॉपकीपर का कोई पता नहीं, कल को अगर कोई बैटरी में मसला निकल आए तो ये ना कह दे कि भाई आपने प्लस माइनस गलत लगाया था तो इस वजह से हुआ है। तो उन्हीं से डलवाएँगे और अगर इन केस अल्लाह ना करे कोई मसला होता भी है तो वही जवाब दे होंगे, फिर उन्हीं से रिप्लेस करवाएंगे। तो जैजी के साथ कमिटमेंट ये हुई, जैजी अगर तो आज खाना नहीं मांगेगा फिर तुझे लेके जाऊंगा वरना घर चला भाई यार 10 मिनट बाद भूख। अगर तो बैटरी में डिस्काउंट मिला फिर तुझे लेके जाऊंगा वरना नहीं मिला तो तू भाई घर चला जा, मैं आज कुछ भी तेरे पे खर्चा नहीं करने वाला। आज मिलेगा डिस्काउंट, क्यों नहीं डिस्काउंट हम लेके देंगे। चलो जी ठीक हो गया। तो जी हम पुरानी बैटरी शॉप्स हैं जहाँ पे हम जाते हैं, मेलोडी में है G6 मार्केट में, तो वहीं पे जाएंगे दोबारा। तो देखते हैं कि कितने की बैटरी मिलेगी, आपको भी सारी डिटेल बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी गाड़ी की बैटरीज के बारे में। भाई अभी होंडा सिटी में से निकालते हैं बैटरी। तो ये रही जी हमारी बैटरी, तो ये जी बैटरी डाइवो की बैटरी है जो अभी होंडा सिटी से हमने निकाली है। तो जब भी आप बैटरी लगाती हैं तो आपने प्लस माइनस का लाजमी ख्याल रखना है। जो रेड वाला होता है ये हमेशा प्लस वाली साइड होती है और ब्लैक केबल जो होती है ये माइनस की होती है और इसको करंट मिलता है गाड़ी की बॉडी के साथ। और अभी हम लगाते हैं इसको प्लस और माइनस के साथ। तो ये जी पाकिस्तान की अवामी गाड़ी में हम बैठ चुके हैं और बैटरी हमारी ठीक लग चुकी है। यहाँ पे देखें आप करंट वगैरह आना शुरू हो गया। तो अभी इसको इग्निशन ऑन करते हैं और चलते हैं मेलोडी मार्केट में और वहाँ से जाके बैटरी रिप्लेस करवाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि डाइवो ही रिकमेंडेड है, मुझे अच्छी भी लगती है डाइवो की बैटरी, कोरियन टेक्नोलॉजी है और काफ़ी अच्छी हैं। 2 साल से होंडा सिटी में लगी हुई है और अभी 1 साल हो गया पिकांटो को मेरे पास, उसमें भी यही है और इस गाड़ी में भी पहले डाइवो ही लगी हुई थी। तो अभी दोबारा से वही लगवाते हैं और दुआ करेंगे कि इस दफ़ा कोई सीन ना हो इस तरह का। तो अभी चलते हैं जी मेलोडी मार्केट में। तो फ्रेंड्स, आपके साथ एक छोटा सा गिला भी करना चाहता हूँ। गिला ये है कि जो पिकांटो की वीडियोस हम डालते हैं, अपलोड करते हैं, उसके ऊपर तो काफ़ी सारे व्यूज़ भी आते हैं, दोस्त देखते भी हैं, कॉमेंट्स भी करते हैं और लाइक भी करते हैं। मगर जो मैं सिटी की या किसी और गाड़ी की वीडियोज़ अपलोड करता हूँ उसके ऊपर आपका कोई रिस्पॉन्स ख़ास नहीं आता है। तो भाई को सपोर्ट किया करें, अच्छा लगता है मुझे। तो जी हम पहुंच चुके हैं मेलोडी मार्केट में। तो ये जी एक साइड के नाम से मॉडर्न बैटरीज, यहाँ से हम डलवाते हैं बैटरी, अभी अंदर चलते हैं। तो ये जी मॉडर्न बैटरी शॉप और काफ़ी अर्से से मैं यहीं से बैटरीज वगैरह परचेज़ करता हूँ घर के UPS के लिए भी और अपनी जितनी पुरानी गाड़ी है उनके लिए भी, सिटी के लिए भी लास्ट टाइम यहीं से ली थी। तो अभी काफ़ी अच्छी चल रही है डाइवो बैटरी दोनों गाड़ियों में, तो मैंने सोचा कि इसमें भी जो ना डाइवो ही हम डलवाएंगे। तो अभी भाई से पूछते हैं कि क्या प्राइस है उनकी। ये सर डाइवो DL50। तो इसकी क्या प्राइस है भाई? ये है 6500। अच्छा, ऑफिशियल वेबसाइट पे तो वैसे 6300 कुछ है। तो रिबेट के साथ कितने की होगी? पुरानी बैटरी का कम, पुरानी तो चोरी होगी ना, चोरी होगी पुरानी। 6000 के और 6 का क्या करेंगे? 46 का रहा, 46 आपको मिल जाएगी 5800 रुपए की। अच्छा 46 ठीक रहेगी यहाँ पर 50 ठीक रहेगी, 800 सीसी गाड़ी है वैसे।
दोनों वैसे रिकमेंडेड है। अच्छा वैसे ये बताएगा ये ड्राई बैटरी होती है या मेंटेनेंस फ्री होती है? मेंटेनेंस फ्री। अच्छा प्रॉपर ड्राई है जैसे उसमें जेल होता है वो मेंटेनेंस फ्री। सही है एजीएम एसिड बैटरी में बस ये है कि वो आपको बार बार एसिड वगैरह मेंटेनेंस फ्री है। इसमें हम बस उसी पे ये जो ऊपर बना हुआ है इसके इसी यहीं से पता चल जाएगा इसकी लाइफ कितनी और क्या। ठीक हो गया दोबारा ये तैयार नहीं हो सकती रेडी नहीं हो सकती। सही होगा इंटीरियर इसका वो ऐसा टाइमली खत्म होगा कमज़ोर होगा। ठीक है साल लगता है डेढ़ साल लगता है दो साल लगते हैं तीन साल भी बैटरी चल जाती है। सही है। जो एसेट बैटरी होती है इसका बेसिकली बताएंगे कि जो हम आप वापस लेते हैं 1500 रुपये में या 1000 रुपये में तो ये रीयूज़ होती है यहाँ लेड जो होता है ना वो रिसाइकल। अच्छा अच्छा तो फाइनल हुआ है जी DL50 हम डाल रहे हैं डाइवो में। ये भाई फ्रेश स्टॉक आ रहा है डाइवो का। ये रही जी हमारी बैटरी और अभी ओल्ड जो होंडा सिटी से हमने निकाली है वो ये है। अभी इसको उतारेंगे और नई वाली बैटरी लगाएंगे। गाड़ी में ट्रैकर तो नहीं है भाई? ट्रैकर है यार मगर ट्रैकर ने बताया ही नहीं है TPL का ट्रैकर लगा हुआ वो कॉल ही नहीं आई। वो बस उनके साथ इशू चल रहा है अभी कि हमें कॉल क्यों नहीं आई। रात के टाइम गाड़ी पार्क की है थोड़ी घर से बाहर पार्क थी तो बैटरी उड़ा के कोई ले गया अभी बीच में से ये सीन हुआ है। तो यहाँ पे इसकी लाइफ वगैरह अगर आप देखना चाहें तो ये भी ग्रीन है अगर जी इसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी तो यहाँ पे रेड कलर का साइन आ जाएगा तो इट्स मीन कि ये बैटरी अब फारिग है और ये रीयूज़ में भी नहीं आती है। जय जी भाई आज गाड़ी चलाने लगे हैं। हेलो भाई होगी गाड़ी हमारी स्टार्ट और बैटरी ओके स्पेयर पार्ट वाली शॉप से ना सर। हाँ जी हाँ ब्रैकेट हाँ वो ब्रैकेट में पूछ रहा था आपके पास नहीं है? नहीं सर। अच्छा 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 तो भाई अभी इसके ब्रैकेट जो है ना वो लेके आते हैं साथ में स्पेयर पार्ट्स की शॉप से तो वो भी लगवाते हैं क्योंकि वो भी नहीं है तो इससे ही होगा कि ये बैटरी हिलजुल नहीं करेगी अपनी जगह फिक्स रहेगी। सामने बैटरी के ब्रैकेट चाहिए थे मेहरान के तो ये जी बाबर भाई इसमें जो बैटरी के ब्रैकेट है वो लगाने लगे हैं तो इससे काफ़ी अच्छी ज़रा ना होल्ड हो जाएगी। तो ये राजी हमारा बिल और 6000 इसकी कॉस्ट आई है। DL50 मॉडल है इसका और 6500 भाई कह रहे हैं कि इसकी एक्चुअल प्राइस थी तो हमें उन्होंने डिस्काउंट करके 6000 रुपीज़ में दिए। तो ये रहा इसका वारंटी कार्ड और वारंटी है जी इसकी 1 ईयर की। तो भाई बैटरी का हो गया सीन डन और अभी निकले हम वापस घर की तरफ। जैजी से पूछते हैं खाने का कोई सीन क्योंकि इसने खुद ही अभी बोल पड़ा है कि मुझे ये खिला दो। जैजी है कोई सीन खाने का? यार खाने का तो नहीं सीन बन रहा क्योंकि भाई का 6000 का टीका लगा है और मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं भाई से। हाँ यार आज बड़ी बात है जैजी ने अब मैं मान ही नहीं सकता आज जैजी ने ना कर दिए भाई कह रहा कोई चीज़ नहीं खाऊँगा क्योंकि आज भाई को टीका लग गया 6000 रुपये का। चलो ये भी गुड हो गया आज बचत होगी जैजी की तरफ से है जैजी। क्यों यार भाइयों का एहसास करना चाहिए। तो गाइज अभी का सीन ये है कि मेहरान चला रहा है जैजी और अभी हम जा रहे हैं जी सिंटोरस मॉल में और इसको ड्रॉप करके आएंगे सुजुकी मेहरान को वहाँ पे क्योंकि भाई जो है छोटा वो सिंटोरस मॉल में ही जॉब करते हैं तो उसको गाड़ी वगैरह चाहिए तो अभी फिर उसको दे के आते हैं गाड़ी और वापसी पे जैजी मेरे साथ ही आ जाएगा। तो भाई हम सिंटोरस पहुँच गए हैं बेसमेंट में और ये आ गए जी भाई मेरा छोटा। तो सुनाओ कैसे हैं आप? ठीक है ये हमारा भाई है भाई अब चोरी नहीं होनी चाहिए अभी सही पार्क करनी और टाइम से घर आना है। ठीक है ना नहीं वो इशू ट्रैकर का हो गया था वरना ट्रैकर वालों को मंड जाकर उनको कह भाई ये क्या मजाक है। हाँ तो ये रही जी हमारी होंडा सिटी और पीछे खड़ी है मेहरान। तो अभी भाई को देते हैं चाबी मेहरान की और फिर निकलते हैं घर की तरफ। तो जैसी चाबी दे तेरे पास है तो ठीक है बस इधर सेफ जगह पे पार्क कर ली और ताला चला सही लगा ली नीचे लॉक कर ली। चल ठीक है ओके। तो भाई अभी का सीन ये है कि अभी गाड़ी हमने वापस कर दी है सिंटोरस में भाई को और हमारा मूड बन गया थोड़ा वर्कशॉप का तो अभी हम यहाँ पे करने वाले हैं वॉक और सिंटोरस के बिल्कुल ऑपोजिट अभी हम खड़े तो यहाँ हम वर्कशॉप करेंगे और आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस व्लॉग्स मैं अपलोड करूँ वो आपको टाइमली मिल सके। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।